26 दिसंबर की सुबह होने वाली है, सुबह के तकरीबन 4-5 बज रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ शफकत तारा साहब मौजूद है। पाकिस्तान स्टेज का बहुत बड़ा नाम है और मशहूर आर्टिस्ट है पाकिस्तान के। अभी यह डिस्कशन हो रहा था, हम सब जेडीसी में बैठे हुए थे कि डकैती बहुत बढ़ गई है और किस तरह रुकेगी, और इस वक्त हमारे पास पाकिस्तान मीडिया का एक और नाम मौजूद है, फराज भाई मौजूद हैं। आप लोग इनको ड्रामों में देखते हैं। फराज भाई, आप भी सुन रहे हैं डकैती कैसे पड़ती है। आदिल भाई बैठे हैं, जिन्होंने अपनी गाड़ी जो इनकी निकली थी हाथ लाके दिखा दें। आदिल भाई इन्होंने गिफ्ट की थी जब इनकी रमजानों में निकली थी, और इनके साथ दोस्त बैठे हैं सारे। तो शफकत भाई को अभी जब एक महीने पहले खातून के सर पे डकैती हो रही थी, वो गन रखी हुई थी, तो इन्होंने अपनी गाड़ी रोकी, उन खातून को बचाने गए तो डकैतों ने इनको 3 गोलियां मारी। डॉक्टरों ने बोला ये मर गए, लेकिन खुदा ने अपना फजल किया, ये बच भी गए और इनका जो नीचे का धड़ बेकार हो गया था, जब ऑपरेशन वगैरह हो गया तो ये जब होश में आया तो ये बैठ गए और टांगों में जान भी आ गई, तो अल्लाह का बड़ा फजल हुआ इनके ऊपर। उसके बाद उससे कितने दिन पहले एक महीना जो आंधी आई थी जिला, अच्छा अभी उससे पहले कराची में आंधी आई थी, उसमें इनके साथ एक वाक्य, वो बड़ा अच्छा वाक्य है, मतलब बाहर निकल के मैं खड़ा हो गया साइड पे। इतने में बाइक के दो बंदे आए और आके मुझे, उन्होंने भी लगाई, मुझे दिखा, अरे आप तो ड्रामों में आते हैं शफकत तारा भाई, यार आपके तो ड्रामे बहुत अच्छे, हम तो आपके बड़े फैन है, ये है सर, इधर हो जाए, डस्ट है थोड़ा सा साइड पे। हम बैंक की साइड पे खड़े हो गए बड़े मजे से, मैं अपने फोन पे बातें करने लग पड़ा, चलो यार फैन खड़े, और जैसे आंधी खत्म हुई उन्होंने देखा हवा हवा थोड़ी कम हुई, दोनों ने पिस्टल निकाले, मुझसे मेरे वो वॉलेट भी ले लिया, 72,000 भी ले लिया, मोबाइल भी ले लिया, और जाते हुए तो शुक्र है एटीएम लेके अंदर के तो लाइट चली गई थी, तो लिंक वो बंद हो गया होगा, तो मैंने कहा यार आप तो मेरे फैन है, कहता फैन है इसीलिए लेके जा रहे हैं। 72,000 रुपए गए और मोबाइल फोन चला गया और थे फैन जी, वो कहते हैं आप बहुत बड़े फैन। देख ले भाई ऐसा हो रहा है कराची में कि हमारे आर्टिस्टों को लोग मिल रहे हैं, बोल रहे हैं हम आपके फैन हैं, लेकिन आप मोबाइल दे दें और जो कुछ पैसा निकाल दें, और दोनों ने गने रखी हैं आपके ऊपर दोनों, और उसके बाद फिर इनके साथ दूसरी बड़ी वाकया हो गई इसके अंदर, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको जिंदगी दी। और अभी टांके खुले आपके, नहीं खुले? बस 40 टांके ये वाले खुल गए, बाकी ये दो साइड वाले। अल्लाह ताला आपको सेहत दे भाई। आपने उमर शरीफ साहब के साथ कितने ड्रामे किए शफकत भाई? मैंने तकरीबन उमर भाई के साथ 100-150 ड्रामों में काम किया। 100-150 ड्रामे मेरे बड़े ड्रामे मशहूर है, एक मैं आजकल बड़ा मशहूर हुआ तो अक्सर भी लोग आवाज, मैं दूर रहा हूँ मुझे हाथ नहीं लगाओ। फिर एक ड्रामा था मेरा पप्पू चुम्मी, उमर भाई कहते चुम्मी से तो मौत बेहतर। उमर भाई के साथ बड़ा काम, अगर कोई लतीफा कोई एक सुना दे, अभी आपने सुनाया था ना वो लोगों को सुना दे, कौन सा वाला था वो, वो किस्सा ऐसा हो कि एक प्रोग्राम में मैं गया तो सारे कॉमेडियन आए हुए थे, सब कॉमेडियन ने कॉमेडी कर ली, तो तनवीर खान भाई खड़े थे हमारे कॉमेडियन बड़े सीनियर, तो मैंने तनवीर भाई से बोला तनवीर भाई आज इतने कॉमेडियन इस फंक्शन में आए तो मैं क्या करूंगा, तो कह रहा बेटा इन्होंने कुछ छोड़ा नहीं, जो कर सकते हो कर लो, पैसे मिलने बस एंट्री करनी। तो मैं ऊपर गया मोइन भाई से पूछा, मोइन भाई ने कहा बेटा बस एंट्री करो और पैसे कैश करो। खैर मैं गया तो अब मैंने देखा माहौल बड़ा क्राउड, फुल क्राउड था, इतना क्राउड था फैमिलीज नहीं थी, फुल ग्राउंड भरा हुआ था, तो मैंने कहा चलिए जी मैं एक किस्सा सुना देता हूँ, क्योंकि इतने सारे सीनियर मेरे उस्ताद कॉमेडियन आ गए। तो मैंने कहा एक दफा ऐसा हुआ कि अमेरिका के अंदर मुकाबला हो रहा था, तो उन्होंने कहा पाकिस्तान दुनिया का नंबर वन लोग हैं जो हर काम को तेज करते हैं, जुगाड़ भी करते हैं, तो वहाँ मुकाबला था कि जो सबसे ज्यादा भैंसों में से दूध निकालेगा उसको नेशनलिटी भी देंगे और वहाँ फार्म हाउस भी देंगे। तो पूरी दुनिया से लोग गए, इंडिया से, चाइना से, पूरी जितनी दुनिया से गए, सबको एक एक भैंस दे दी और एक एक बाल्टी दे दी कि भाई सिर्फ आपके पास 3 मिनट है, 3 मिनट में जितना दूध निकाल सकते हैं। तो सबने निकाला, जब बर्तन चेक हुए तो इंडिया की बारी आई तो 1 किलो लोगों ने बड़ी तालियां बजाई, चाइना की आई 1.5 किलो, अमेरिका की आई उन्होंने कहा 2.5 किलो, जब पाकिस्तानी की बारी आई तो 1.5 पाव। तो सबने कहा भाई क्या हुआ, पाकिस्तान का नाम ही डुबो दिया तुमने, ये क्या हुआ? कह रहा भाई मेरे से इन्होंने सियासत की है। बोला क्या सियासत की है? बोला सबको भैंसे दी, मुझे भैंसा दे दिया। जो खुद बनाते हैं उसको आमद बोला जाता है। उमर भाई हमेशा जब भी हमारे उस्ताद थे, हम रिहर्सल स्क्रिप्ट नहीं होता था थिएटर पे, सिर्फ बताते थे उन्हें ये कैरेक्टर करना है, जुमले आपने बोलने हैं और अगर आपने गलती की तो डांट भी खानी है और अगर अच्छा किया तो शाबाश भी मिलनी है। और एक जो आप एक दफा स्टेज शो करते थे वो कितने दिन रिपीट होता था? 15-15 दिन, 20-20 दिन, और हर दिन सेम एक्टिंग होती थी, सेम स्टोरी, सेम स्टोरी। उसमें अगर आप मेरी आपकी सेटिंग, अगर मैंने आपको, आपने जो लाफ्टर लेना है मेरी बात पे, अगर मैं बात नहीं बोलूंगा तो आपको लाफ्टर ही नहीं आएगा। तो जो बात आपने रोज बोलनी सेम बोलनी है, आमद आती है, नई बात की आमद आती है, लेकिन उस टाइमिंग में आप नहीं बोल सकते,
क्योंकि मैंने आपको ना जफर भाई, आपने कहा जी, मैंने आपको जफर भाई बोलूंगा नहीं तो आप जी कैसे बोलेंगे, तो वो टाइमिंग होती है थिएटर, सिर्फ टाइमिंग का गेम है। अभी थिएटर कराची में तो खत्म हो गया ना, खत्म हो गया, अब कहां है, कहीं भी नहीं है ना। नहीं लाहौर में थिएटर, कराची में तो सब, कराची में थिएटर खत्म हो गया बस। शकील भाई कभी कभी, लाला भाई एक दो दिन का ड्रामा करते हैं और वो भी बेचारे वही लेके चल रहे हैं, बाकी और बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह आपको इज्जत दे, सेहत दे, जिंदगी दे। फराज भाई क्या बोलेंगे शफकत भाई के लिए, इतने सीनियर अदाकार हैं, डकैत लूट रहे हैं, फैन लूट रहे हैं, फिर गोलियां मार रहे हैं, क्या हो रहा है सर? नहीं माशाल्लाह पाकिस्तान का तो बहुत बड़ा नाम है ये, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन्होंने बहुत बड़े बड़े और सीनियर लेजेंडरी आर्टिस्ट के साथ काम किया है माशाल्लाह, और इन्होंने जो अभी ये लतीफा सुनाया ये वन ऑफ अ जैम माशाल्लाह। अच्छा ये जो वाक्य सुना रहे हैं इसके हिसाब से मैं भी एक सुनाता हूँ कि हम तो जुड़वा भाई हैं, हमाद सेम हमाद के साथ यही इंसिडेंट हुआ है कि वो अपने घर पे आए हैं शूट से, गाड़ी पार्क की है तो उतरने लगे, इवन ये भी साथ थे उनके साथ हमाद के साथ, अब वो गाड़ी से उतरे तो एक लड़का भाई भाई हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, वो आए हैं बकायदा हमाद के पास, गले मिले हैं, और गले मिलने के बाद बस गले मिलते ही उन्होंने गन पॉइंट पे उनको लिया और कहा कि जो कुछ है चुपचाप निकाल दो, और ये नॉर्थ आजमाबाद में शादमान, और ये ऐसा इंसिडेंट हुआ है और इसके ऊपर कोई रोकथाम नहीं है, कोई कुछ कर नहीं सकता है। अगर आप कोई कहो के अपनी अर्जी लेके कहीं जाते हो, एप्लीकेशन लेके, तो वहाँ पे आप ही के बंदरबाट होती है, वहाँ पे कोई चीज नहीं है। और की डकैती में घुसे थे, साथियों के सर पे गोली रखी नहीं थी तो इनको तीन गोलियां मार दी, और मजे की बात है जिनके लिए मुझे सिर्फ मेरा दिल बड़ा हो जाता कि उस फैमिली को मैंने लूटने से बचाया, मैंने अपनी जान पे खेला, कम से कम हॉस्पिटल आके उसका शोहर और बच्चा और वो मुझे आके देख ही लेते, आए भी नहीं देखने, नहीं नहीं आए नहीं, यहाँ डर गए होंगे गोलियां देख के सुन के, शायद तो उनके सामने गोलियां लगी। नहीं आपने एक और बहुत बड़ा काम किया कि आपसे जब पूछा गया उनके बारे में तो आपने उनको माफ भी किया जो भी थे। असल में पता क्या, मैंने शारा नूर जहां थाने वालों ने मुझे बुलाया और तस्वीर भेजी, मैंने जब उसके ऊपर लॉकअप के गया तो मैंने देख के गया था तस्वीर, और वही थे, लेकिन उन्होंने कहा सर हम नहीं है, मैंने उन्हें बोला उन्होंने हमने नहीं चलाई, और कह रहे आप कह भी देते उन्हें बंद हो जाएंगे, लेकिन 12 साल सजा हो जाएगी, 10 साल सजा हो, हमारे घर में खाने को नहीं है, हमारे घर का किराया नहीं है, हमारे घर के हम चार दिन से ये हमें मार रहे हैं आपके लिए, और हमने खाना नहीं, हमारे घर वालों ने खाना तक नहीं खाया हुआ। तो मैंने इन्वेस्टिगेशन वालों को जाके बोला कि भाई ये लोग नहीं है, खैर आप शनाख्त कर ले, मैंने कहा मैंने माफ किया, अगर है भी तो मैंने माफ किया, बहुत बड़ा काम किया। आपको सेहत दे, जिंदगी दे, आर्टिस्ट लुट रहे हैं इधर भी, आर्टिस्ट लुट रहे हैं इधर भी, आर्टिस्ट लुट रहे हैं, तो आम आदमियों के साथ क्या हो रहा होगा। बहुत बड़ा मैसेज है, वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि हुक्काम बाला तक पहुंचे।